सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रह की राशि परिवर्तन के बारे में, क्योंकि सूर्य ग्रह जो है अब कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 17 सितंबर को दोपहर को 1:45 पर। अभी तक सूर्य भगवान सिंह राशि में चल रहे थे, अब सिंह राशि जो इनकी स्वयं की राशि है, अब ग्रहों के राजा सूर्य सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में गोचर करके 1 महीने के लिए। सूर्य का जो गोचर होता है वो पूरे 1 महीने के लिए होता है किसी भी राशि में, और जब सूर्य राशि बदलता है तो उस समय को संक्रांति काल के नाम से जाना जाता है। 17 सितंबर को दोपहर को 1:45 पर जो है इनका कन्या राशि में प्रवेश होगा। कन्या राशि में आने के बाद सूर्य नीच राशि कहलाता है। सूर्य ग्रह जो है सिंह राशि का स्वामी है, मेष राशि में उच्च का और तुला में नीच का होता है। ग्रहों के राजा को सूर्य को पिता, आत्मा, तेज, शक्ति, ऊर्जा, पराक्रम, सरकारी नौकरी, सरकारी कार्य आदि का काराग्रह कहा गया है। यदि आपकी कुंडली में बहुत अच्छी अवस्था में है, मजबूत है, तो एक तो आपकी सरकारी नौकरी जल्दी लग जाती है और सरकारी कार्यों में आने वाली बाधाएँ खुद ब खुद दूर हो जाती है। पिता का पूर्ण रूप से सुख आपको प्राप्त होता है, खासकर आत्मा तेज शक्ति के कारण है तो शरीर आपका स्वस्थ होगा, सभी प्रकार के रोग आपके जो है समाप्त हो जाएंगे और सरकारी नौकरी में सरकारी कार्यों में आने वाली जो बाधाएँ वो स्वयं समाप्त हो जाती है। मगर यदि ये राहु केतु से पीड़ित हैं, ग्रहण योग बना रखा है, यदि नीच के है आपकी कुंडली में, शत्रु ग्रह से पीड़ित हो गए हैं, तो बहुत परेशानियों का सामना जो है करना पड़ता है। तो उस अवस्था में जो है शरीर में रोग बढ़ जाते हैं, खासकर हड्डियों में दर्द रहता है, उसके बाद सरकारी कार्यों में जो है बाधाएं बहुत ज़्यादा आती हैं। कई बार देखा गया है कई कुंडली में हमने कि सूर्य ग्रह कमज़ोर होने से या नीच का होने से सरकारी नौकरी नहीं लगती, सरकारी कार्यों में बाधाएं आती हैं, खासकर पिता का पूर्ण सुख उसे प्राप्त नहीं होता, निर्णय लेने की क्षमता उसकी क्षीण हो जाती है, क्योंकि आत्मविश्वास के कारक ग्रह हैं। यदि ये मजबूत है तो आपका आत्मविश्वास बहुत मजबूत रहता है, और ये कमज़ोर है तो आपका आत्मविश्वास भी कमज़ोर होगा। तो ये तो रही बात सूर्य की। अब हम बात करेंगे कन्या राशि में जब आएगी तो कन्या राशि और कन्या लग्न को ये क्या परिणाम देगी अगले 1 महीने के लिए। तो कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सूर्य का ये राशि परिवर्तन? तो सूर्य इस समय आपकी कन्या राशि में रहेगा और सूर्य के साथ मंगल और चंद्रमा भी एक साथ रहेंगे इस समय। तो सूर्य मंगल एक साथ होने से जो है इस समय आपको बाहरी क्षेत्रों से लाभ होगा, विदेश यात्रा करने का आपको अवसर प्राप्त होगा, कहीं नौकरी के सिलसिले में जो है आपको जाना पड़ सकता है, कोई बाहरी क्षेत्रों से आपको जो इस समय लाभ हो सकता है, कोई व्यापार में बिजनेस में अगर आप कहीं से जुड़े हुए हैं तो व्यापार को लेकर भी आप बाहर जा सकते हैं, काम काज आपका बढ़ सकता है। इस समय निर्णय लेने की जो क्षमता है आपकी वो काफ़ी स्ट्रांग रहेगी, यानी कि काफ़ी मजबूत रहेगी, और आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, किसी भी निर्णय को लेने से पहले आप तुरंत फैसला लेंगे और वो कार्य आपको सही होगा। सूर्य मंगल चंद्र जो है आपके सप्तम भाव को भी देख रहे हैं, तो इस समय कहीं शादी ब्याह की बात जो है आपकी चल सकती है, साथ ही जो आपके पार्टनरशिप में साझेदार आपसे जुड़े हुए हैं उनसे भी जो है आपको लाभ होगा, व्यापार आपका बढ़ेगा, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, साझेदारी में आपको लाभ रहेगा, और आपकी जो जीवन साथी है यानी कि पति या पत्नी जो भी है उनसे भी जो आपको लाभ प्राप्त होगा इस समय, आपको जीवन साथी आपको पूर्ण रूप से सहयोग करेगा, आपके हर कार्य में आपको साथ देगा, और जो दैनिक रोजगार है आपका, मतलब रोज़ कमाने खाने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी ये कन्या राशि वालों का गोचर बड़ा अच्छा है। केतु इस समय जो है आपके तुला राशि में गोचर कर रहा है, और केतु का तुला राशि में होना इस समय धन अधिक खर्च हो सकता है, खर्चे आपके बढ़ेंगे, लगातार कुछ ना कुछ जो है चलता रहेगा परिवार में, हालांकि इस समय वाणी कुछ कठोर हो सकती है आपकी, कुछ अपशब्द आप कह सकते हैं परिवार में, थोड़ा वाद विवाद भी हो सकता है, तो बोलते समय थोड़ा सावधानी रखें, वाणी पर संयम रखें अपनी, क्योंकि वाणी पर संयम रखिए तो काम सही होगा, नहीं तो घर में आपके जो है क्लेश हो सकता है। राहु के साथ बृहस्पति इस समय गोचर कर रहा है मेष राशि में, राहु और बृहस्पति का एक साथ होना चंडाल योग बन रहा है, इस समय कोई चोट का खतरा बन रहा है आप पर, यानी कि कहीं आते जाते समय एक्सीडेंट हो सकता है,
चोट दुर्घटना जो आपके साथ हो सकती है। तो कन्या राशि वालों को अगले 2 माह थोड़े से कठिन हो सकते हैं, तो थोड़ा गाड़ी चलाते समय सावधानी रखें। चोट दुर्घटना का जो योग बन रहा है ये आपको भारी पड़ सकता है, तो थोड़ा सा वाहन जब चलाएं तो थोड़ा धीमा चलाएं और सावधानीपूर्वक चलाएं। और बृहस्पति जो है आपकी कुंडली में सुख स्थान का भी स्वामी है, और सुख स्थान स्वामियों के जो है इस समय राहु के साथ पीड़ित हैं, चंडाल योग बन गया है, तो ये भी कुछ गड़बड़ कर सकता है। हालांकि भूमि भवन वाहन आदि का सुख जो है आपको प्राप्त होगा, मगर कुछ बाधाएं जो राहु केतु के कारण हो सकती है। हो सकता है घर में आपकी माता बीमार रहे, उन्हें कोई शरीर में दिक्कत हो सकती है, या उन्हें दवाई अधिक खानी पड़ सकती है, घर में कोई वाहन आपका खराब हो सकता है, या ज़मीन में कोई वाद विवाद उत्पन्न होता है, मकान में जहाँ रह रहे हैं कुछ लेन देन को लेकर भी झगड़ा हो सकता है, तो थोड़ा सावधानी रखनी होगी आपको। शनि इस समय जो है आपका कुंभ राशि में गोचर कर रहा है कन्या लग्न में, तो शनि जो है आपका पंचम का और छठे का स्वामी है जो अपने कुंभ राशि में है, और कुंभ राशि में शनि का होना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि एक तो आपको कंपटीशन एग्जाम में सफलता मिलेगी, जो कोई प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं, सरकारी की तैयारी कर रहे हैं, जो छात्र छात्राएँ उनके लिए बहुत अच्छा अवसर ये है कि इस समय जो आपको कंपटीशन में यानी कि प्रतियोगिता जो परीक्षा है उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोई रिजल्ट आपका आने वाला है कन्या राशि वालों का, तो उसमें भी 100% आपको सरकारी नौकरी लगने के चांस बन रहे हैं। इस समय सरकारी नौकरी का पूरा योग आपकी कुंडली में बना हुआ है। आपके शरीर से जो है कुछ रोग परेशान आपको कर सकते हैं, शनि समय वक्री है, कुछ कमर के या पेट में दर्द हो सकता है, कुछ दिक्कत हो सकती है फूड पॉइजन की भी आपको। शनि आपकी कुंडली में जो है संतान का भी स्वामी है, अभी आपको कोई संतानी खुशखबरी नहीं मिलेगी क्योंकि शनि वहाँ का स्वामी है। हालांकि शिक्षा का क्षेत्र आपका बड़ा मजबूत रहेगा, शिक्षा संबंधी जो भी बाधाएं आ रही थी वो सब बाधाएं खुद ब खुद दूर हो जाएगी। शुक्र ग्रह जो है आपकी कुंडली में भाग्य का और धन का स्वामी होकर लाभ स्थान में है, तो इस समय भाग्य से जुड़े हुए कुछ फैसले आप लिए जा सकते हैं, यानी कि एक तो आपका भाग्य उन्नति करेगा, कुछ काम आपके बना सकता है, कोई जो बाधा अभी तक आ रही थी वो सब दिक्कतें दूर होगी, भाग्य उन्नति का समय आपका है इस समय। और साथ ही कोई धर्म संबंधी यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, यानी कि एक तो आपको धर्म के संबंधी यात्रा होगी, दान धर्म में आपका मन बना रहेगा, और लाभ के जो नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। शुक्र आपको लाभ स्थान में है तो बहुत अच्छा है, धन का और भाग्य का स्वामी होकर बैठा है, तो इस समय आपके लाभ के लिए अच्छी स्थिति बन रही है। तो यानी कि कन्या राशि कन्या लग्न वालों के लिए यह समय बड़ा अनुकूल है, अगला 1-1.5 महीना। कर्म स्थान का स्वामी बुध जो है सिंह राशि में गोचर कर रहा है, तो व्यापार को लेकर कोई विदेश यात्रा हो सकती है, कहीं नौकरी बदलनी पड़ सकती है इस समय आपको, कहीं नौकरी बदलने का भी आपका समय चल रहा है, कहीं जॉब अगर छोड़ के दूसरी जा रहे हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आप समय बदल सकते हैं इस समय नौकरी, ये नौकरी में भी जॉब बदलेगी आप उसमें भी लाभ होगा। तो ये था कन्या राशि वालों के लिए राशिफल जो आज आप लोगों ने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।